हेलो एग्रेंस, मैं मेरा नागर एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। मार्केटिंग ट्रेनी एनएससी का जो मार्केटिंग ट्रेनी में मार्केटिंग ट्रेनी का जो पेपर हुआ था मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग का दोस्तों, उसका पेपर लेके आया हूँ दोस्तों। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने दोस्तों मात्र 10 दिनों में 400 सब्सक्राइबर दिए हैं दोस्तों, 400 सब्सक्राइबर। और कल दोस्तों मेरे, आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आप उसमें कल 300 सब्सक्राइबर थे दोस्तों, और कल से आज दोस्तों प्लस 100 सब्सक्राइबर, कल के लेके आज तक 200 सब्सक्राइबर हुए हैं दोस्तों। अब बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोडक्शन की दोस्तों, तो इसके लिए क्या क्या लग रहा है। तो इसके लिए दोस्तों ये है कि इसके लिए आपको चाहिए बीएससी या तो एमएससी एग्री चाहिए आपको, या एमएससी एग्रीकल्चर से किसी भी सब्जेक्ट से हो, या फिर आपको इसमें लगना है बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एग्री विथ आपको लगेगा एमबीए दोस्तों। एमबीए अगर है तो आप इसके डाल सकते हैं दोस्तों। इसका पेपर दोस्तों, अगर आप मार्केटिंग से पेपर डालने का सोच रहे हैं दोस्तों, तो मैंने इसका पेपर देखा दोस्तों, मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं दोस्तों। इसमें आ रहे हैं दोस्तों 30 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, 30 तो आपने आ रहे हैं दोस्तों एजी से, 40 आ रहे हैं आपके मार्केटिंग से, और इसमें आपके अदर आपको ले जाए 30 नंबर का आपका जो सी सेट आ रहा है दोस्तों, मैथ इंग्लिश वगैरह ये आ रहा है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन दोस्तों मार्केटिंग का थोड़ा सा अपना टफ हो जाए 40 क्वेश्चन, तो मार्केटिंग से दोस्तों मुझे लगता है कि जो सीनियर अभी जो मार्केटिंग का जो होना है अपना ट्रेनिंग मार्केटिंग का, उसका सिलेबस, उसका पेपर पहले हुआ नहीं, तो उसका सिलेबस मुझे लगता है उसका पैटर्न भी सेम यही रहेगा। अगर मार्केटिंग में आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है मार्केटिंग में डालना थोड़ा टफ रहेगा, क्योंकि उसमें मार्केटिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन ओनली 30 ही आ रहे हैं दोस्तों, जो अपने से बनना थोड़ा आसान है, लेकिन मार्केटिंग के क्वेश्चन कम बन रहे हैं दोस्तों। आप मार्केटिंग का लेवल भी देख सकते हैं पेपर में। आगे मैं आपको ले चलता हूँ पेपर की ओर, ठीक है। एग्रीकल्चर के क्वेश्चन की हम चल एग्रीकल्चर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अपना एग्रीकल्चर में दोस्तों क्वेश्चन शुरू होता है पहला, ए सैंडी सॉइल कॉन्टेंट, सैंडी सॉइल में क्या होता है। तो सैंडी सॉइल में दोस्तों होता है मोर देन 60% सैंड पार्टिकल, मोर देन 60% तो सैंडी सॉइल है, तो इसमें सैंड ज़्यादा रहना है, तो मोर देन 60% सैंड पार्टिकल, 60% से अधिक बालू के कण, ठीक है। मृदा संरचना का अभिप्राय दोस्तों, मृदा संरचना सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर से, सॉइल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, तो सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है, सॉइल स्ट्रक्चर होता है अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर दोस्तों होता है अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। अगली बात की जाए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस द सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर में क्या नहीं होता, निम्नांकित में से कौन सा घटक मृदा संरचना को प्रभावित नहीं करता है दोस्तों, इन्फ्लुएंस द सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका जाएगा दोस्तों अधिसूचित धनायन, मतलब एडवर्स कैटायन करता है, ऑर्गेनिक मैटर करता है, सॉइल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है दोस्तों, बेस एक्सचेंज प्रभावित नहीं करता है दोस्तों। तो ये आ गया है। अगला अपन बात करते हैं इसकी, तो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ ए क्रॉप्स इज द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड, फसल की जलमांग पानी की वह मात्रा है जो आवश्यक है। तो दोस्तों जो आवश्यक है मृदा एवं फसल वाष्पीकरण, तो इसका आंसर दोस्तों आएगा फसल के उपभोक्तिक जल एवं सिंचन नाली से राह सेतु, टू मीट द कंजप्शन यूज डिमांड, जो डिमांड है उसकी कंजप्टिव के लिए, और लॉसेस फ्रॉम फील्ड, फील्ड से जो लॉस होता है वो। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिफ्थ देखते हैं, आलू की फसल हेतु पानी की क्रांतिक अवस्था, दोस्तों आलू की फसल के लिए पानी की क्रांतिक अवस्था दोस्तों होगी मिट्टी, ये इसका आएगा कंदों के निर्माण के प्रारंभ होने पर, इन द बिगनिंग ऑफ ट्यूबराइजेशन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नांकित में कौन सा खराब जल निकास का लक्षण नहीं है, खराब जल निकास का लक्षण दोस्तों लोवरिंग ऑफ वाटर टेबल, जल स्तर का घटना दोस्तों खराब खराब जल निकास का लक्षण नहीं है। बाकी पौधों का पीला पड़ना, अगर जल निकास नहीं करे तो पीले पड़ेंगे, उथले एवं बोनी जड़ें अगर होगी, उथले में बोनी जड़े हो जाएंगी, जल निकास नहीं करेंगे और पौधों की वृद्धि खराब हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन आता है, 1 घन मीटर पानी होता है, 1 घन मीटर पानी दोस्तों आपको पता होगा 1000 लीटर के बराबर 1 घन मीटर पानी होता है, Q.0138 h² सूत्र द्वारा गणना की जाती है, डिस्चार्ज ऑफ वाटर थ्रू 90 डिग्री नोश, 90 डिग्री नोश की गणना की जाती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की देखा जाए, डायमोनियम सल्फेट नाइट्रोजन की मात्रा, डायमोनियम सल्फेट नाइट्रोजन की मात्रा होती है 18%, मतलब 18% नाइट्रोजन, 46% फॉस्फोरस। अगला क्वेश्चन, ज्वार का वानस्पतिक नाम दोस्तों, ज्वार का वानस्पतिक नाम पता होगा आपको, सोरगम बाइकलर ज्वार का वानस्पतिक नाम है। कपास किस कुटुंब का पौधा है दोस्तों, कपास है दोस्तों मालवेसी कुल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आलू के सच्चे बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए, आलू का जो ट्रू पोटैटो सीड जो अपन लगाते हैं, ट्रू पोटैटो सीड की बीज दर 100 से 125 ग्राम पर हेक्टेयर आएगा दोस्तों इसका आंसर। अगला, निम्नांकित में से कौन सी बाजरे की प्रजाति नहीं है, तो बाजरे की प्रजाति दोस्तों पूसा 3 भी है, WCC 75 भी है, कंपोजिट 3 भी है, इसका आंसर आ जाएगा BL54 इसका आंसर आ जाएगा। मक्का एक उभयलिंगी पौधा है जिसमें नर पुष्प
मादा पुष्प के साथ निकलता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो मक्का के गोले में जो नर पुष्प, दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो है ये प्रोटेंड्री होता है मक्का। प्रोटेंड्री मतलब नर भाग पहले निकलता है, मादा भाग बाद में होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा मादा पुष्प के 1 सप्ताह पहले नर पुष्प निकलता है, तो ए वीक बिफोर इमर्जेंस ऑफ फीमेल फ्लावर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पैगिंग, पैगिंग मूंगफली में अधिकालीन पैगिंग एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया दोस्तों होती है वह इलोंगेशन ऑफ स्टाइल होता है। वर्तिका का दीर्घाकरण को कहते हैं दोस्तों पैगिंग, इलोंगेशन ऑफ स्टाइल दोस्तों। ठीक है, टॉपिंग इज प्रैक्टिस डन इन, टॉपिंग दोस्तों किसमें की जाती है? टॉपिंग दोस्तों सीधी सी टॉपिंग की जाएगी तंबाकू में। टॉपिंग का आपका ऐसे याद नहीं, टॉपिंग तरीका बता दोस्तों कैसे याद रखना। टॉपिंग में आता है दोस्तों टी ओ शुरू में, और टॉपिंग किसमें की जाएगी? तंबाकू में भी टी ओ आता है। तो उसमें दोनों का मैच करके अपन लिख सकते हैं टॉपिंग जो होती है वो टोबैको में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेहसाना। दोस्तों मेहसाना, मेहसाना गुजरात की नस्ल है, भैंस की नस्ल है, मेहसाना भैंस की, बफेलो की नस्ल है दोस्तों मेहसाना। निम्न में से किस पशु गर्भकाल सबसे अधिक? दोस्तों ये क्वेश्चन तो मैंने हर पेपर में देखा है, चाहे वो ट्रेनिंग एग्रीकल्चर का पेपर हो, चाहे वो ट्रेनिंग मैट का पेपर हो, चाहे वो ट्रेनिंग मार्केटिंग का पेपर हो, सब में ये आ रहा है दोस्तों। सबसे अधिक गर्भकाल पशु का किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा गर्भकाल दोस्तों भैंस का होता है। उमरान एक प्रजाति है दोस्तों, उमरान एक बैर की प्रजाति है। उमरान, गोला, ये दोस्तों बैर की प्रजाति है। गार्ड गोभी का खाने वाला भाग, गार्ड गोभी का खाने वाला भाग दोस्तों होता है स्टेम, अपना तना खाया जाता है दोस्तों गार्ड गोभी का। ठीक है, पूसा नवीन किसकी प्रजाति है? पूसा नवीन दोस्तों आ जाएगी अपनी लौकी की, बॉटल गार्ड की वैरायटी है पूसा नवीन। ठीक है, मिर्च की खेती हेतु उपयुक्त तापक्रम, तो मिर्च की दोस्तों ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लगा दोस्तों। आप देख सकते हैं हॉर्टिकल्चर से भी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। पूसा नसदार एवं पूसा चिकनी प्रजातियाँ हैं, पूसा नसदार एवं पूसा चिकनी, पूसा नसदार पूसा चिकनी दोस्तों तरोई की है, स्पंज गार्ड की है। गाजर किस कुल, गाजर निम्न वानस्पतिक कुल का पौधा है? तो गाजर दोस्तों अपना है, गाजर अपना आ जाएगा अम्बेली फेरी का। ठीक है, टमाटर का उत्पत्ति स्थान दोस्तों मैक्सिको है, पेरू मैक्सिको, आलू का और टमाटर का दोनों मैक्सिको है। अरका नवनीत दोस्तों बैंगन की किस्म हो जाती है अपनी अरका नवनीत। अगला आते हैं मटर का बोने का समय, दोस्तों मटर आपको पता होगा रबी की क्रॉप है, रबी में लगाई जाती है, तो इसका आएगा अक्टूबर नवंबर। ठीक है, तरबूज का कुल दोस्तों, तरबूज हो गया अपना, खरबूज हो गया, जो कुछ भी हो गया दोस्तों इन सब का कुल आ जाएगा दोस्तों अपने, इन सब का एक ही कुल है कुकुरबिटेसी कुल। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ से 29 से चालू हो जाता है इसमें मार्केटिंग के क्वेश्चन। दोस्तों ये थोड़ा टफ हो जाता है क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूँ, भाई आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है मार्केटिंग वाले हैं तो आप देख लीजिए इनको। ठीक है, मैं इसको इंग्लिश में बताऊंगा तो हिंदी थोड़ी मार्केटिंग में थोड़ी टफ होती है, तो इंग्लिश में वेयर सेलर्स कंबाइन सेवरल प्रोडक्ट्स इन द सेम पैकेज इज नाउन एज, तो इसको कहेंगे प्रमोशनल प्राइजिंग। ठीक है, प्रमोशनल प्राइजिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर्म्स अवेलेबल टू मार्केटिंग मैनेजर कैन यूजुअली बी एसेस्ड मोर क्विकली एंड चीपली देन अदर इन्फॉर्मेशन सोर्सेज, तो इसका आ जाएगा इंटरनल डाटाबेस। ठीक है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल प्राइजिंग ऑब्जेक्टिव, तो इसका आएगा दोस्तों टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, टू अचीव टारगेट शेयर, टू मैच ए कॉम्पिटिशन रेदर देन लीड द मार्केट। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों अपना आ जाएगा, ऑल द फॉलोइंग कंसीडर ड्रॉबैक्स ऑफ लोकल मार्केटिंग एक्सेप्ट, तो इसका आ जाएगा इट कैन अट्रैक्ट अनवांटेड कॉम्पिटिशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, हैज कॉन्ट्रेक्चुअल अथॉरिटी टू सेल ए मैन्युफैक्चर आउटपुट, तो इसका आएगा सेलिंग एजेंट्स। ठीक है, वेयर वेयर व्हेन देयर इज ए लार्ज पोटेंशियल मार्केट फॉर ए प्रोडक्ट द फर्म विल एडॉप्ट प्रीमियम प्राइस पॉलिसी। ठीक है, इसका दोस्तों 35 का आप देख सकते हैं, 35 का आंसर आएगा दोस्तों प्रायोरिटी प्राइसिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन हम चलते हैं दोस्तों, 36 क्वेश्चन देख सकते हैं, 36 का आंसर है दोस्तों मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है दोस्तों, आपने आप अगर चाहें तो उसके पीडीएफ में आपको उपलब्ध करवा दूंगा दोस्तों। मार्केटिंग मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मार्केटिंग से मुझे समझ में नहीं आता है मार्केटिंग के क्वेश्चन, आप देख सकते हैं मार्केटिंग। द स्ट्रेटजी ऑफ यूजिंग एन मैनी आउटलेट्स एज पॉसिबल इज कॉल्ड, तो ये आ जाएगा दोस्तों इसका इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन होंगे, ये अपने टोटल क्वेश्चन है दोस्तों अपने मार्केटिंग के, ये आपके मार्केटिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों, आप चाहे तो इसे पॉज करके देख सकते हैं दोस्तों। ये मार्केटिंग के क्वेश्चन है, वेट वेट इज एन, वेट क्या है दोस्तों? वेट है अपना सेल टैक्स, 43 का आंसर आ जाएगा सेल टैक्स। 44 द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इंटरनल ट्रेड इज डंपिंग। ठीक है, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑल्सो नाउन एज वर्ल्ड बैंक, दोस्तों ये वर्ल्ड बैंक होगा। की कंट्रोल फैक्टर ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग और मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड प्लान्स,
ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है अपने मार्केटिंग के चल रहे हैं दोस्तों। ग्लोबलाइजेशन किससे संबंधित है? तो ग्लोबलाइजेशन मोर इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट वर्ल्ड से संबंधित है। 50 क्वेश्चन अपना सेलिंग आएगा आंसर। 52, 53, ए कंपनी इज प्रैक्टिसिंग इट इज फोकस ऑफ सम सेगमेंट डिस्टिंक्टिव ट्रेड्स दैट मे सीक ए स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ बेनिफिट, तो इसका आएगा नाइश मार्केटिंग। ठीक है दोस्तों, ये मार्केटिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं अपने, मार्केटिंग के क्वेश्चन दोस्तों। अब टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, दोस्तों आपको सेल्स की प्रमोशन करना है तो आपको कंज्यूमर प्रमोशन एंड मार्केटिंग प्रमोशन करना होगा। 56, 57 दोस्तों MIS का फुल फॉर्म पूछा है। MIS का फुल फॉर्म क्या होता है? MIS का फुल फॉर्म है दोस्तों मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ये अपने पूरे मार्केटिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं। मार्केटिंग के क्वेश्चन दोस्तों अपने 70 तक मार्केटिंग के क्वेश्चन है, 30 मार्क्स के एग्रीकल्चर के हैं और 70 क्वेश्चन दोस्तों आपके मार्केटिंग के हैं, देख सकते हैं। 40, ये टोटल दोस्तों 70 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसके बाद अपना आ जाता है सी सेट। पुलिटजर पुरस्कार किससे संबंधित है? तो पुलिटजर पुरस्कार है जर्नलिज्म से संबंधित, पुलिटजर जर्नलिज्म से है। ठीक है, अगली हम बात करें लैटिट्यूड डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में मानक समय में अक्षांश की डिफरेंस दोस्तों पूछा है, डिफरेंस होगा 7.5 डिग्री। ठीक है, परावर्तन के संबंध में यह कथन भलीभांति ज्ञात है कि एक कोण को घुमाया जाता है परावर्तित किरण घूमती है। दोस्तों इसका इंग्लिश, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन इट इज वेल नोन एज वेन ए मिरर टर्न थ्रू ए सिंगल द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू, तो दोस्तों एक ट्विस्ट होगी। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद संसद की कार्यवाही में पूछताछ करने के लिए प्रतिबंधित करता है? कौन सा है? तो दोस्तों इसका आर्टिकल 122 हो जाएगा। किस महासागर में पनामा नहर अटलांटिक महासागर से मिलती है? तो किस महासागर में दोस्तों? पैसिफिक, प्रशांत महासागर में पनामा नहर अटलांटिक महासागर से मिलती है। कितने देश सार्क के सदस्य हैं? तो सार्क संगठन के 8 देश सदस्य हैं। कौन सा खिलाड़ी अर्जुन पदक 2015 की सूची में नहीं है? कौन सा खिलाड़ी नहीं है? तो सुशील कुमार नहीं है। ठीक है, द ब्रिक्स बैंक वुड हैव हिज हेडक्वार्टर, ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर चाइना में है। का मैथ चालू हो जाता है दोस्तों, एक वस्तु का निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, वस्तु के 2/3 बेचने 10% की हानि होती है, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 35%। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। मिस्टर जॉन अपनी साइकिल ए बिंदु 10 किलोमीटर चाल से दोस्तों दूरी एवं समय से, ये क्वेश्चन है चाल दूरी समय से, ये क्वेश्चन 80, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 12 किलोमीटर। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। एक हवाई जहाज एक निश्चित यह भी दूरी चाल से है दोस्तों, इसकी भी चाल पूछी गई है इसमें, तो इसकी चाल 720 किलोमीटर आएगी दोस्तों। पी किसी क्यू आर, ये टाइम एंड वर्क दोस्तों देख सकते हैं, टाइम एंड वर्क और चाल समय से इसमें क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बाकी पेपर में भी आए हैं। एक वृत्ताकार पार्क दोस्तों, ये इससे भी पार्क वगैरह आकृति से भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल एरिया वगैरह का इसका आ जाएगा 86। ये क्वेश्चन जिंक का आ गया है, रीजनिंग का। स्टोव को लिखा जाता है FNBL का, लिख सकते हैं, तो वोट्स को क्या लिखेंगे दोस्तों? आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका आएगा LBNKAF, इसका आएगा थर्ड ऑप्शन इज राइट आएगा इसका। कितने समय में 8200 में ब्याज से क्वेश्चन आ गया है? इसका 36 व्यक्तियों के समय में 16 कोल्ड्रिंक के 9 लोग, ये दोस्तों ये सेम क्वेश्चन इसमें भी आया था अपने, कल अपने जो पेपर दे रहा सीनियर ट्रेनिंग एग्रीकल्चर का। एक कक्षा में 5 पंक्तियां हैं, 5 बच्चे अक्षय विनीत सुजीत गुड्डू और मंगल के 5 पंक्तियों में बैठे हैं, जैसे कि ये दोस्तों ये भी उसमें का क्वेश्चन रीजनिंग का। अगला C=24, तो हार्ट 28 का क्या होगा दोस्तों? फियर का अपने कोड बताना है 89, ये दोस्तों एक फिर ये क्वेश्चन अपना रीजनिंग से आ गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये सारे क्वेश्चन रीजनिंग के चल रहे हैं। इसके बाद यदि रंग को संगीत, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसके बाद में इसका देखा जाए तो श्रेणी है जो अपनी इसको पूरा करना है श्रेणी को, इसका आंसर दोस्तों आ जाएगा X। अगले बाद दिए गए प्रणाली के आधार पर निम्नलिखित समीकरण को हल करें, ये समीकरण आपको हल करना है। इसके बाद में अगले दोस्तों एक क्वेश्चन आ गए अपने इंग्लिश के, टोटल 100 क्वेश्चन है दोस्तों पूरे। ठीक है दोस्तों, ये पूरे अपने क्वेश्चन हो गए हैं मार्केटिंग ट्रेनिंग के जो क्वेश्चन आए थे अपने, जो MSC बेस पे एग्जाम होता है उसके। ये पेपर मुझे 2 दिन पहले मिला दोस्तों, लेकिन मैंने वीडियो इसका आज बनाया है। कल किसी ने बोला था कि मार्केटिंग ट्रेनिंग का वीडियो बनाइए, तो मैंने इसका वीडियो बनाया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।